हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए राजस्थान बोर्ड द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 9 हिंदी का फुल सोल्यूशन। दोस्तों, इसमें आपको पूर्णांक 32 नंबर का मिलेगा। दोस्तों, दिनांक इसमें दी हुई है 26 अक्टूबर की। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। यहाँ पर पहले विद्यार्थी का नाम लिखा जाएगा, फिर इसके बाद विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, पहली बार गया के घर से भाग कर दोनों बैल कहाँ पहुँचे? जूरी के घर, काजी हाउस, मटर के खेत में, नहर के किनारे। तो इन चारों में से इसका आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जूरी के घर। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, जूरी के साले का क्या नाम था? गया, बजरंग, राजू, धनिया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गया। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी के पास लम्हई गाँव और आगरा। तो इन चार ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर तीसरे का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वाराणसी के पास लम्हई गाँव में। तो इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। दोस्तों, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, गधा शब्द का लाछड़े का अर्थ क्या है? समझदार, चालाक, मूर्ख और गुड़ी। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, मूर्ख। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? कमायनी, गोदान, गबन, कर्म भूमि। तो क्वेश्चन नंबर पाँच में का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। मैं बताऊंगी आपको एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीड, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजिली साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फ्लो आपको 16 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, इन दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड आपको स्क्रीन पर दिया गया NSP001 है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपनी कॉपी में गोदान। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पांचवें का दोस्तों आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट करिए, कामायनी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा दिया हुआ, प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? 1926 में, 1936 में, 1946 में, 1935 में। तो क्वेश्चन नंबर छठे का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1926। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सातवा दिया हुआ दोस्तों, कबीर की रचना का क्या नाम है? बीजक, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। तो क्वेश्चन नंबर सातवें का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजक। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। फ्रेंड, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर के अनुसार मानसरोवर में कौन विहार कर रहा है? मछलियाँ, हंस, मगरमच्छ, मनुष्य। तो क्वेश्चन नंबर आठवें का बा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हंस। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर नौवां दिया हुआ है, कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? मंदिर में, मस्जिद में, आकाश में, सभी जीवों की सांसों में। क्वेश्चन नंबर नौ में का दा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी जीवों की सांसों में। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दसवां दिया हुआ है, कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? सत्यानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद, ईश्वरानंद। क्वेश्चन नंबर दसवें का बा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रामानंद। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग्यारह दिया हुआ है, शिक्षा और मनोरंजन से बच्चे वंचित क्यों हैं? काम पर जाने के कारण, खेलने के कारण, सोने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, काम पर जाने के कारण। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, बच्चों का काम पर जाना किसके समान है? पागलपन, एक हादसे के, एक बुराई के, तूफान के। क्वेश्चन नंबर 12 का बा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक हादसे के। ये दोस्तों नोट कर लीजिए कॉपी में अपना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, बच्चों के खिलौने कहाँ दब गए? मिट्टी के नीचे, मकान के नीचे, पार्क में, काले पहाड़ के नीचे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी, काले पहाड़ के नीचे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, राहुल जी किस रास्ते से तिब्बत पहुँचे? नेपाल के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते,
गुजरात के रास्ते, उत्तर प्रदेश के रास्ते। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आ नंबर ऑप्शन था, जाएगा नेपाल के रास्ते। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ, सुमति कौन था? एक मंगोल, बिच्छू, तिब्बत का राजा, एक लेखक, एक चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 15 का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक मंगोल बिच्छू। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है? भीटे, डांडा, पहाड़, नदियां। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पहाड़। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17, दोन की वक्स तो कौन था? एक बौद्ध भिक्षु, एक यात्री, स्पेनिश उपन्यासकार, राजा। क्वेश्चन नंबर 17 का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक बौद्ध भिक्षु। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ, राहुल जी ने ल्यासा की यात्रा किस देश में की थी? बिच्छू के, भिखारी के, डाकू के, किसान के। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बार नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भिखारी के। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, कांजी हाउस किसे कहते हैं? अदालत, मवेशी खाना, बैंक, पुलिस थाना। क्वेश्चन नंबर 19 में का बार नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मवेशी खाना। इसको नोट करिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, दिल कांप उठना मुहावरे का अर्थ है? डर जाना, प्रसन्न होना, दुखी होना, उत्साहित होना। क्वेश्चन नंबर 20 में का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डर जाना। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में दोस्तों। ये थे आपके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।